नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे गाने हो, चाहे फिल्म हो, चाहे एल्बम हो या फिर स्टेज शो हो, हर फील्ड में खेसारी लाल यादव का दबदबा रहता है और खेसारी लाल यादव का जलवा रहता है। इस कड़ी में आज मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाला हूँ जो वाकई आपको चौंकाने वाला है और शायद इसी को लकीर बोला जाता है। जी हाँ, मैं बात करूँ तो IMDb आपको पता होगा कि तमाम जो म्यूज़िक वीडियोस होते हैं, चाहे बॉलीवुड की हो या फिर रीजनल हो, तमाम जो फिल्में होती है या फिर उनके गाने होते हैं, तो उनको रेटिंग्स करती है और रेटिंग्स करके वो नंबर ऑफ लिस्ट देती है। तो इस कड़ी में भोजपुरी इंडस्ट्री की एक लिस्ट आई है जो वाकई चौंकाने वाली है और मैं जो आंकड़ा बताऊँगा वो सुनकर भी आप चौंक जाएंगे और कहेंगे कि वाह, क्या जलवा है खेसारी लाल यादव का। दरअसल टॉप 10 मूवीज में खेसारी लाल यादव के ही 7 जो मूवीज हैं वो IMDb यानी कि जो IMDb है लिस्ट, उसमें खेसारी लाल यादव का दबदबा जारी है और इसी को लकीर बोला जाता है। जी हाँ, बात करें तो पहली फिल्म है आशिकी जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। आशिकी फिल्म खेसारी लाल यादव की है, ठीक है, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है आए हम बराती बारात लेकर, ये गाना, ये फिल्म जो है 2022 में रिलीज की गई थी और ये जो है दूसरे नंबर पर है, ये भी खेसारी लाल यादव का। तीसरा नंबर चोरी चोरी चुपके चुपके, जी हाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म भी आई थी 2021 में और ये फिल्म भी खेसारी लाल यादव की है। और चौथे नंबर पर फिल्म जीना तेरी गली में, जी हाँ, बात करें तो जीना तेरी गली में आया थी फिल्म 2022 में, ये 4 नंबर पर है। और 5वें नंबर पर फिर से मैं हूँ हीरो नंबर 1, ये फिल्म 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर दिलवाला और 7वें नंबर पर दुल्हन वही जो पिया मन भावे और 7वें नंबर पर पवन सिंह की फिल्म पवन राजा है। फिर 8वें नंबर पर खेसारी लाल यादव का दबदबा प्यार किया तो निभाना और फिर 10वें नंबर पर आता है दुल्हन गंगा पार के। तो ये टॉप 10 मूवीज का लिस्ट आया है और इन लिस्ट में 7 जो फिल्में हैं वो खेसारी लाल यादव की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सभी के चहेते सुपरस्टार का क्या जलवा है। तो एक अपडेट था, मुझे आपको बताना चाहिए, बाकी इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।